गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, इसके पूर्व में हम लोगों ने अभी तक के प्रतियोगिता के आधार पे मतलब बाजार का निर्धारण जो है अलग अलग प्रकारों में उसके वर्गीकरण को पढ़ा है और इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है उसको हमको देखना है। तो जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो हमने पहले बाजार के वर्गीकरण में देखा क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, फिर प्रतियोगिता के आधार के सारे सब पॉइंट्स हमने देखे। आज जो है हमको इस टॉपिक के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसका निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से होगा, उसका हमको इस वीडियो में जिक्र करना है। तो आप इस चैप्टर से बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज के टॉपिक पर हम पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है ये आपकी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति इन दोनों पर आधारित होती है। यानी किसी वस्तु की मांग और किसी वस्तु की पूर्ति इन दोनों की साम्यावस्था के आधार पर ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होगा। ये एक अच्छा और बड़ा क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में, जहां तक कि असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला था कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए आप लोग, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे वस्तु की मांग को देखा जाता है और वस्तु की पूर्ति को देखा जा सकता है। तो वस्तु की मांग वस्तु के उपभोक्ता द्वारा की जाती है और उपभोक्ता वस्तु की मांग उसमें निहित उपयोगिता के कारण करता है। उपभोक्ता वस्तु का कितना मूल्य देगा यह वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। उपभोक्ता किसी भी दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। अब सीमांत उपयोगिता यानी एक निश्चित निर्धारण जिससे वो कम नहीं जाएगा और अधिक जा सकता है, लेकिन अधिक भी नहीं। वो सीमांत उपयोगिता, न्यूनतम उपयोगिता जिसका वह प्रयोग करना चाह रहा है, जिससे वो संतुष्ट हो रहा है, तो उससे अधिक वो मूल्य नहीं देना चाहेगा। क्योंकि उपभोक्ता चाहेगा कि हमें बचत हो और उत्पादक क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा लाभ हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो निर्धारण किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता से वो अधिक मूल्य नहीं देना चाहेगा क्योंकि उसकी संतुष्टि की मात्रा वहां अत्यधिक होती है। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। यानी देखिए, वस्तु की मांग ध्यान रखिएगा हमेशा वस्तु के उपभोक्ता के द्वारा की जाती है और उपभोक्ता उसमें उपयोगिता को देखेगा। वो संतुष्ट तभी होगा कि उससे उपयोगिता ज्यादा मिल रही है और उसका दाम जो है वो उसकी उपयोगिता के आधार पर चुकाना पसंद करेगा। ठीक, उसका दूसरा पॉइंट आ गया है आपका वस्तु की पूर्ति। तो वस्तु की पूर्ति की बात जब हम करते हैं तो देखिए, वस्तु की पूर्ति मतलब क्या हो रहा है। वस्तु की पूर्ति किसी वस्तु के उत्पादक की पूर्ति जो है वो वस्तु की मांग जो है उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिए, और पूर्ति जो है वो उत्पादकों के द्वारा की जाती है। वस्तु के उत्पादन में उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी होती है, कई प्रकार की लागतें आ जाती हैं, और इसलिए वह क्या करता है, वह अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत के बराबर करने की कोशिश करता है। यानी वो क्या चाहेगा कि वो उसको ज्यादा लागत ना मिले, यानी विक्रय का खर्चा हो गया, विज्ञापन का, ये बहुत ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी ये लागतें उसकी कम होना चाहिए, क्योंकि ये लागतें कम होगी तो उसका मूल्य निर्धारित रहेगा। तो इस प्रकार से लागत सीमांत लागत के बराबर प्राप्त करना चाहेगा। इस प्रकार सीमांत लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा को बताती है। तो देखिए, शब्द क्या है यहाँ पर, सीमांत लागत, और यहाँ है आपकी सीमांत उपयोगिता। सर्वप्रथम आप वस्तु की मांग के बारे में लिखेंगे, फिर वस्तु की पूर्ति के बारे में लिखेंगे। अब मांग एवं पूर्ति का संतुलन, जब आपको प्रश्न बन रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे हो रहा है, तो वस्तु की मांग फिर वस्तु की पूर्ति। अब मांग और पूर्ति का संतुलन जो हो रहा है, उपभोक्ता वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर से अधिक नहीं देना चाहेगा और वस्तु की कीमत जो है उसकी सीमांत लागत से कम नहीं होगी। ये अधिक सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा और ये सीमांत लागत से कम नहीं देगा।
तो अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच में निर्धारित होगी, यानी प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करेगा कि उसे वस्तु की कम कीमत चुकानी पड़े। प्रत्येक विक्रेता भी इस बात का प्रयास करेगा कि वह वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करे। ऐसी ही स्थिति में क्रेता और विक्रेता दोनों अपने तरफ मूल्यों के लिए सौदेबाजी करते रहते हैं और मांग और पूर्ति की शक्तियों की से एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है। यानी हर कोई चाहेगा कि उसको अपनी लाभ ज्यादा हो, विक्रेता लाभ की कोशिश करेगा और ये अपनी उपयोगिता की चाह रखेगा। तो इस प्रकार से अंत में एक ऐसा जो सौदेबाजी जो चल रही उसके आधार पर वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाएगी, यानी दोनों पूर्णतः संतुष्ट होंगे। इसी को साम्य मूल्य भी कहा जाएगा, इसी को साम्य मूल्य भी कहा जाएगा। जहां वस्तु की मांगी गई मात्रा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां पर की वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा तथा वस्तु की पूर्ति मात्रा आपस में बराबर हो जाती है, इसी को साम्य मूल्य भी कहते हैं। तो ये छोटा प्रश्न भी बनता है, साम्य मूल्य क्या है। अब देखिए, इसी आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण होगा। असंतुलन मूल्य तालिका देखिए, कोई वस्तु का मूल्य दिया गया है, 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। ये हमने पूर्व में मांग के नियम के आधार पर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, पूर्ति का नियम के आधार पर भी पढ़ा था। वही संतुलन मूल्य तालिका ले रहे हैं और उसी के आधार पर वस्तु की मांग और पूर्ति सेम वही चीजें हैं। देखिए, वस्तु की मांग, जब मूल्य 1 रुपए था तो मांग अधिक थी, यानी 500 रुपए था, 2 रुपए हुआ थोड़ी कम हुई 400, फिर उसके बाद 3 रुपए हुआ मूल्य तो और थोड़ा कम हुआ। यानी मांग का नियम क्या बताता है, ये विपरीत संबंध बता रहा है। जैसे जैसे वस्तु का मूल्य इधर बढ़ते जा रहा है, मांग की मात्रा जो है वो कम होते जा रही है। ठीक, पूर्ति जो है, वस्तु का मूल्य और वस्तु की पूर्ति सीधा संबंध है, यानी ये कम है तो वस्तु की पूर्ति भी कम होगी और ये अधिक है तो वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। जैसे मूल्य 1 रुपए था तो मांग तो अधिक थी लेकिन पूर्ति कम थी, क्यों, क्योंकि वस्तु सीधी बहुत सस्ती है तो इसको उत्पादक को कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए वो पूर्ति कम करता है। अब जब 2 रुपए हुआ तब उसने थोड़ी सी बढ़ा दी जबकि मांग कम होते जा रही है। ठीक, 3 रुपए हुआ तो यहाँ पे 300 रुपए कर दिया, उसने 300 वस्तु की पूर्ति कर दी। 4 रुपए हुआ तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहा है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ते जा रही है मार्केट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो पूर्ति अधिक देगा, जितनी अधिक वस्तु की बिक्री होगी इसको फायदा अधिक होगा। और यहाँ मूल्य कम होने पर इसको मांग तो बढ़ जाएगी लेकिन इसको फायदा कम होगा। तो देखिए, दोनों की कंडीशन में जहां पे मांग भी 300 थी और वस्तु की पूर्ति भी 300 हुई, ये जो चीज है, यानी 3 रुपए पर इस वस्तु का ये जो मूल्य हो गया, ये हो गया संतुलन मूल्य, या इसी को हमने क्या कहा था, साम्य मूल्य। ठीक है, इसको संतुलन मूल्य भी कहेंगे या इसी को हम साम्य मूल्य भी कहेंगे। और इसके ऊपर की जो ये वाली दशा है, यहाँ पे देखिए, ये जो मांग है ये अतिरिक्त मांग है, क्योंकि ये 300 ये ज्यादा मांग है, तो ये वाली कहलाएगी अतिरिक्त मांग की दशा, यानी ये वाली जो दशा है अतिरिक्त मांग की दशा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मांग कम हुई, ये पूर्ति अधिक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, अतिरिक्त पूर्ति की दशा। तो इस प्रकार से ये तालिका बनती है। अब इसको हमको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना पड़े तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि इसका हमको ग्राफ पे निरूपण करना है। यदि हमको इसको ग्राफ पर निरूपण करना है तो ध्यान दीजिए ये कैसे होगा आपका। यहाँ पे हम एक एक्स अक्ष बनाएंगे, एक वाई अक्ष बनेगा, फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बनाते हैं, इसके आधार पे हमको इस पे निर्धारण करना है। ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हुआ आपका एक्स अक्ष। अब किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, यानी यहां पर वस्तु की कीमत रख देते हैं, कीमत के आधार पर वस्तु का मूल्य आ जाएगा यहां पर।
वाई अक्ष पे ले लेते हैं हम वस्तु का मूल्य और एक्स अक्ष पे ले लेते हैं वस्तु की मांग एवं पूर्ति। मांग भी इसी अक्ष पे लेंगे और पूर्ति भी हम इसी अक्ष पे ले लेते हैं। अब यहां पे जो मात्रा आएगी वो तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगी, क्योंकि मूल्य जो है हमारा 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5। ये आपका मिड पॉइंट यानी मूल बिंदु आपका 0। यहाँ पे जो है 100, 200 यहाँ का पैमाना 100 के आधार पर, तो ये हो गया आपका 100, ये हुआ 200, 300, 400 और ये 500। एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ले लीजिए 600। अब देखिए मांग के नियम के अनुसार पहले मांग वक्र बनाएंगे फिर पूर्ति वक्र बनाएंगे। तो मांग वक्र क्या बोल रहा है, 1 रुपए कीमत है तो उसकी मांग कितनी थी, 500 रुपए। तो उस प्रकार से ये पॉइंट निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार 2 रुपए कीमत हुई तो उसकी मांग कितनी हुई, 400 रुपए। फिर 3 रुपए हुई तो ये हो गया इसका 300। ठीक उसी प्रकार 4 रुपए तो ये आया आपका 200 रुपए। 5 रुपए तो ये आ गया 100 रुपए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, एक मांग वक्र आपका खींचा जाएगा। ये कहलाएगा आपका डीडी मांग वक्र। अब पूर्ति के आधार पे पूर्ति रेखा देखेंगे हम। ये मांग वक्र हुआ, मांग तालिका हुई। अब पूर्ति तालिका कैसी होगी, जब 1 रुपए कीमत थी तो ये 100 रुपए यानी 100 ग्राम की, जब 2 रुपए कीमत हुई तो ये कितना हो गया आपका 200। 3 पे ये 300, ये पॉइंट बना ही है। 4 पे क्या हुआ, 400 और 5 पे कितना हुआ, 500। तो अब ये वाला क्या बनेगा, आपको यहां पे बनाना है आपको पूर्ति तालिका, यानी ये बनेगा आपका पूर्ति वक्र। इसको कहते हैं हम SS सप्लाई वक्र आपका, है ना। तो ये पूर्ति वक्र और ये मांग वक्र दोनों आपके बन गए पूर्ण। अब ये जो पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, ये कहला रहा है आपका साम्य बिंदु। इसको साम्य बिंदु भी कहेंगे या ये संतुलन बिंदु भी कहा जाएगा। और ऊपर का जो आ रहा है देखिए, ये वाला जो पोर्शन हो रहा है ये अतिरिक्त पूर्ति आएगा, ये वाला कहलाएगा आपका अतिरिक्त पूर्ति का हिस्सा। और ठीक नीचे का ये देखिए, यहाँ पे मांग अतिरिक्त है तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे नीचे का कहलाएगा आपका अतिरिक्त मांग। इसको हमको इस तरह से ग्राफ पर निरूपण करना है। और ये ग्राफ पर निरूपण करने के बाद हमको इसी के बारे में आपको दर्शाना होगा, यानी आपको क्या दर्शाना होगा, ये देखिए प्राइस यहाँ पे, ये वाला जो प्राइस है ये साम्य बिंदु की प्राइस है, ये वाली P1 का जो प्राइस है यानी ये अतिरिक्त पूर्ति का दर्शा रहा है, और ये जो नीचे का है P2 यहाँ तक के ये क्या बता रहा है, अतिरिक्त मांग को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से रेखा चित्र का प्रदर्शन आपको करना होगा, यानी रेखा चित्र का स्पष्टीकरण। ये रेखा चित्र बना दिया आपने और उसके बाद में रेखा चित्र का स्पष्टीकरण भी आपको लिखना पड़ेगा। तालिका के बाद में हो गया आपका रेखा चित्र, पहले वस्तु की मांग, फिर वस्तु की पूर्ति, फिर वस्तु की मांग एवं पूर्ति के माध्यम से, फिर तालिका, फिर रेखा चित्र, और उसके बाद आपको देना होगा रेखा चित्र का स्पष्टीकरण। तो देखिए रेखा चित्र का स्पष्टीकरण में हम क्या लिखते हैं, रेखा चित्र का स्पष्टीकरण आपको उसके अंतर्गत, जैसे आपने एक्स अक्ष पे वस्तु की मांग और पूर्ति ली है, वाई अक्ष पे वस्तु का मूल्य लिया है, फिर हमने मांग वक्र बनाया, फिर सप्लाई वक्र बनाया, उन सब को लेते हुए
हमारे पास में ई बिंदु जो मिला है, जो साम्य बिंदु संतुलन बिंदु है, इस पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होगा। इस प्रकार से चित्र बना के उसका निष्कर्ष भी हमको लिखना है, वही आपका रेखा चित्र का स्पष्टीकरण कहलाता है। तो ये कंप्लीट लिखने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आते हैं बाजार मूल्य। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण हो गया, लेकिन हमने जब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ी थी तो पूर्ण प्रतियोगिता को हमने काल्पनिक मूल्य कहा था, क्योंकि वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता जहां हमेशा क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, समय आता है एक अल्पकाल और दीर्घकाल, यानी मांग और पूर्ति का जो निर्णय लिया जाता है वो समय पे डिपेंड करता है कि अल्पकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में क्या होगा। तो यहाँ समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण क्या होता है, अति अल्पकाल मूल्य यानी कहलाता है अब बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य यानी अति अल्पकाल, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वस्तुओं को बेचा जाता है जिसकी पूर्ति तुरंत संभव नहीं है। तो बाजार मूल्य, देखिए बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार में मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन से द्वारा तय होता है। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन मतलब यहाँ पर मांग और पूर्ति कम ज्यादा होते रहेगी। अब बाजार मूल्य की विशेषताएं देखिए, तो बाजार मूल्य की विशेषताएं, बाजार मूल्य घटता और बढ़ता रहता है, यानी कम और ज्यादा होते रहेगा। फिर यह अस्थायी मूल्य है, तो बाजार मूल्य की विशेषताएं, यह घटता बढ़ता रहेगा, अस्थायी मूल्य है यानी परिवर्तित है, अभी कुछ है तो थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा, आज कुछ मूल्य है तो कल को कुछ और हो सकता है, परिवर्तित रहेगा। बाजार मूल्य सभी वस्तुओं का होता है, जितनी वस्तुएं मार्केट में हैं सब वस्तुओं का अलग अलग मूल्य होगा। बाजार मूल्य तथा मांग में संबंध, मांग यदि बढ़ती है तो बाजार मूल्य कम हो सकता है, पर देखिए अति अल्पकाल में यदि मांग बढ़ भी रही है तो भी बाजार मूल्य में वस्तु का मूल्य कम होगा, यह जरूरी नहीं है, बस यही परिवर्तन है, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। क्योंकि समय, समय मतलब कौन सा, आपका अति अल्पकाल, तीन चीजें आती हैं, अति अल्पकाल में बाजार का मूल्य निर्धारण, फिर अल्पकाल में मूल्य निर्धारण, दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा महत्व रखता है किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में। ठीक है, दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण और साथ ही साथ अति दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण, अति दीर्घकाल। तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण इनके काल के आधार पर निर्भर करता है, और अति अल्पकालीन मूल्य को ही बाजार मूल्य कहा जाता है। ये जो अति अल्पकालीन मूल्य है इसी को ही बाजार मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार से बाजार मूल्य कहा जाता है क्योंकि ये अवधि बहुत कम समय की रहती है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा टिकाऊ वस्तु नहीं रहती है, इसलिए मांग यदि बढ़ जाती है तो कीमत भी बढ़ जाती है, और मांग कम हो जाती है तो कीमत भी घट जाती है। यहाँ पे पूर्ति स्थिर रहती है, वही है आपका बाजार मूल्य। यहाँ उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं होता, अतिरिक्त उत्पादन लागत नहीं होगी। मांग सक्रिय एवं पूर्ति निष्क्रिय होती है, मांग सक्रिय पूर्ति निष्क्रिय, यानी इतना पर्याप्त समय ही नहीं है हमारे पास में कि पूर्ति को और बढ़ाया जाए, तो यहाँ मांग का सक्रियता रहती है। वास्तविक मूल्य, देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में वो देती हूँ पसर चावल का आप लोग को, कि वो आज के दिन ही चाहिए, उसी दिन चाहिए, तो एक दिन पहले से, दो दिन पहले से मार्केट बढ़ जाए, लग जाएगा उसका, और उस समय उसकी जो मांग भी ज्यादा रहेगी तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। यदि वस्तु बहुत ज्यादा, आप यदि कोई मांग अचानक भी बढ़ गई तो भी पूर्ति क्या होगी, पूर्ति करने के लिए अब तो उगा के बनाया नहीं जा सकता उसको, तो जितना पूर्ति, जितना मार्केट में चावल है उसी चावल को खरीदना होगा, तो यदि कम है तो उसका मूल्य अधिक भी करेंगे तो भी व्यक्ति खरीदेगा, क्योंकि उस दिन के बाद में उसकी वैल्यू नहीं है उतनी। तो इसलिए यहाँ पे मांग सक्रिय और पूर्ति निष्क्रिय होती है, और पूर्ति निष्क्रिय होने के कारण ही कि मांग के बढ़ने के साथ ही कीमत भी बढ़ जाती है, ये ऐसा होता है, ये कहलाता है बाजार मूल्य।
सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमते रहने की प्रवृत्ति, पर हमेशा ही बढ़े यहाँ आवश्यक नहीं, ये कम ज्यादा हो सकता है। यानी ये कम ज्यादा कैसे हो रहा है, ये सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमने की प्रवृत्ति रखता है। सामान्य मूल्य यानी जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अति अल्पकाल में बाजार मूल्य को हम समझ सकते हैं। फिर आता है सामान्य मूल्य। जैसे हमने पढ़ा कि सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द रहने की प्रवृत्ति है, तो सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो आर्थिक शक्तियों द्वारा दीर्घ काल में निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे समय आ गया दीर्घ काल। दीर्घ काल में मतलब क्या है, देखिए यदि अल्पकाल आ गया, अति अल्पकाल बाजार मूल्य है, थोड़ा समय और अब मिल गया तो वहां पर कीमत का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ सप्लाई हम ला सकते, हमारे पास नहीं है तो किसी दूसरे दुकानदार से विक्रेता लाके आपको सप्लाई कर देगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मूल्य निर्धारण उसमें उस समय के अनुसार होगा। फिर दीर्घ काल की बात आ गई, यानी सामान्य मूल्य दीर्घ काल में इतना पर्याप्त समय होता है कि किसी वस्तु का निर्माण आराम से किया जा सकता है। तो यह जो है आर्थिक शक्तियों के द्वारा दीर्घ काल में निश्चित किया जाता है। तो सामान्य मूल्य, इसकी परिभाषा देख लिए, उसके बाद देखते हैं इसकी विशेषताएं। ये स्थायी मूल्य है क्योंकि समय पर्याप्त है आपके पास में। फिर दीर्घकालीन मूल्य है, यानी लंबे समय तक यह मूल्य बनाए रखा जा सकता है। यह सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है। ये शब्द ध्यान रखिए, सीमांत लागत और औसत लागत, मतलब जो लागत आ रही है, जो अन्य खर्चे हो रहे हैं, उन लागतों में भी सारी लागतों को जोड़ के औसत लागत और सीमांत लागत के बराबर यह मूल्य निर्धारित होगा। यह मूल्य काल्पनिक होता है, पर क्या हमेशा ऐसा हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए इस मूल्य को हम काल्पनिक कहते हैं। फिर पूर्ति सक्रिय प्रभाव होती है, पूर्ति प्रभावशील है, यहाँ मांग नहीं, पूर्ति, यानी पूर्ति होगी तो मांग बनी रहेगी, पूर्ति नहीं होगी तो मांग में परिवर्तन होगा, मूल्य उस आधार पर निर्धारण होगा। और दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य निर्धारण जो होता है, मांग और पूर्ति के साम्य मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो इसी का उदाहरण है। यह मूल्य एक धुरी के समान है। एक धुरी के समान इसलिए क्योंकि बाजार मूल्य में हमने क्या बोला कि बाजार मूल्य जो है सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसलिए यह एक धुरी के समान है। पुनरुत्पादनीय इन वस्तुओं का ही सामान्य मूल्य निर्धारित होता है, यानी फिर से जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसमें इन मूल्यों का ही सामान्य मूल्य को ही निर्धारित किया जाता है। अब बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बाजार मूल्य कैसा होता है, अस्थायी है, प्रतिदिन परिवर्तित हो सकता है। यह स्थायी है, बहुत समय के बाद परिवर्तित होता है। यह अल्पकालीन है तो यह दीर्घकालीन है, समय प्रमुख है यहाँ पर। यहाँ मांग और पूर्ति का अस्थायी संतुलन है, जबकि स्थायी संतुलन है किसका, मांग एवं पूर्ति का, वो चीज ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, वस्तु का मांग पक्ष अधिक प्रभावित है तो यहाँ पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावित है। फिर पांचवा पॉइंट, ये वास्तविक मूल्य होता है और ये काल्पनिक होता है, ये स्थिति हमेशा निर्माण नहीं रहती, लेकिन बाजार मूल्य कम ज्यादा उतार चढ़ाव जो है ये होता है। बाजार मूल्य वस्तु के उत्पादन लागत से कम अथवा अधिक हो सकता है, जबकि सामान्य मूल्य क्या बोला था, सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। तो यह उत्पादन लागत से कम या अधिक ना होकर सदैव उसके बराबर होता है। ये दोनों में अंतर, इसको बिल्कुल कीजिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध है, जबकि दोनों में अंतर हमने देखा, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ संबंध तो है। तो जैसा हमने पढ़ा कि देखिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है, किस प्रकार से, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा कि बाजार मूल्य जो है सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द रहता है, यानी चारों ओर चक्कर काटता है और उसी के बराबर आने की कोशिश करता है, मतलब कम ज्यादा होके कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन उसके आसपास ही घूमेगा और उस मूल्य के बराबर होने की कोशिश करेगा। तो बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊंचा होता है तो उत्पादकों को लाभ पड़ेगा, लाभ मतलब मूल्य अधिक हो गया तो उत्पादकों को लाभ होगा, तो वो पूर्ति और बढ़ा देंगे, और पूर्ति के बढ़ने से फिर मूल्य में कमी होगी तो इससे क्या होगा, फिर सामान्य मूल्य के बराबर आ जाएगा। और बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से यदि कम है तो उत्पादकों को हानि होगी लेकिन उपभोक्ताओं को लाभ होगा, तो इससे क्या करेंगे, वो लोग पूर्ति को घटा देंगे, पूर्ति घटा दी तो फिर मूल्य बढ़ जाएगा, इस प्रकार मूल्य बढ़कर सामान्य मूल्य से बराबर हो जाएगा।
तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी बच्चों समझा सकते हैं। देखिए इसको रेखा चित्र के आधार पर हम इसको दर्शा सकते हैं कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य जो है रेखा खींच लेंगे आप, है ना, इसको हम एक रेखा खींच लेंगे और ये एक अक्ष पे खींचेंगे, है ना। पहले अक्ष बना लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अब देखिए x अक्ष पे हमने क्या लिया, x अक्ष पे हम लेते हैं मांग और पूर्ति, यहां पर है आपकी मांग एवं पूर्ति, और y अक्ष पे है आपकी कीमत, ये हो गया y अक्ष आपका, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब ये जो ए बी रेखा है ये आपका दर्शा रहा है सामान्य मूल्य, ये है आपका सामान्य मूल्य, जबकि बाजार मूल्य जो है ये आपका कम ज्यादा होते रहेगा, यानी ये आपका इस तरह से इर्द गिर्द घूमते रहने की प्रवृत्ति रखता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, इस प्रकार से ये मूल्य जो कहलाएगा जो ऊपर नीचे जा रहा है ये आपका है बाजार मूल्य। तो इस प्रकार से आप इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये जो बाजार मूल्य है देखिए यहाँ पर वो सामान्य मूल्य के बराबर M पर, M1 पर, M2 पर, इस प्रकार यहाँ पर कई बार वो सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखा। तो ये जो कम ज्यादा ऊपर अप एंड डाउन हुआ, ऊपर हुआ तो उत्पादकों को लाभ हुआ, नीचे हुआ तो उत्पादकों को हानि हुई, तो उस हिसाब से वो लोग पूर्ति को कम या ज्यादा करेंगे और फिर उसका मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर आ जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ आपने ऊपर लिखा है उसी आधार पे इसको चित्र से प्रदर्शित करके उसको स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, इसमें आपका पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, फिर सामान्य मूल्य, बाजार मूल्य, समय की स्थितियों के आधार पर, और साथ में इनका संबंध, अंतर भी और संबंध भी, इस चीज को आप कैसे पूर्णतः कंप्लीट करेंगे और उसके आधार पे आप प्रश्नों को भी तैयार करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर होता है ये आपका कंप्लीट होता है उसी आधार पर कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है।